इधर देखिए हम लोग दे देंगे फोटो बाबा तो संभावेना सदा सत्य बाबा तुते शिक्षित जीवन दान बोधि सोसाइटी में जो हम मना रहे हैं, ये हमारा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हम इमामी काबे नाते हम लोकित हमें संग्रहित हमें बुद्ध के जन्म रखित हमें संग्रहित हमें मयंपंथी समझता हूँ कि देखने भर से भी उसके मन में जो दुर्गुण है, विकार है, तनाव है, हिंसा है, नफरत है, घृणा है, वो दूर हो जाएगी। और एक जीवान देवता है जो आज भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है जो कभी कालांतर में हुआ करते थे। मुझे जब जब बोध सोसाइटी बुलाती है, मैं जरूर आपके बीच में आने का प्रयास करता हूं। और मुझे जब जब जो जो काम कहा गया, मैंने जरूर प्रयास किया। और मैंने आपको पहले जब हम लोग आते थे, जब हम विधायक नहीं थे, तो देखते थे कि बड़ा मिट्टी और बड़ा जमीन जो है अप डाउन रहती थी। तो हमारे लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने एक बार हमसे निवेदन किया कि विधायक जी इसको जो है सब पेवर्स ब्लॉक करवा दीजिए। तो इन लोगों ने कुछ जगह के लिए कहा था, याद होगा मुझे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पूरा का पूरा करेंगे। और पूरा का पूरा पेवर्स ब्लॉक पूरा लगा दिया गया। अभी मुझे मालूम है कि कुछ हमारे साधु जन आते हैं, रहते हैं, उनका जो घर वगैरह है वो थोड़ा क्षतिग्रस्त है, वो रहने योग्य नहीं है। हम उसको भी देखेंगे, उसमें भी क्या कर सकते हैं करेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि वो सोसाइटी, मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी सोसाइटी है जहाँ मैं आता हूँ और अपने लोगों से मिलता हूँ। क्योंकि यहाँ नफरत नहीं है किसी के मन में किसी के प्रति, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ मानवता भरी हुई है। और जब मानवता हो, प्रेम हो, तो इंसान जब मानव मानव से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे, तो सारे संकट कट जाए, हमदर्द जिगर के तार मिले, मानव मानव से प्यार करे। और प्यार और सेवा से ही जन जीवन आज बदल सकता, पर इससे बढ़कर कार्य नहीं, इस राह पे मानव चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते, प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छांव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानव मानव से प्यार करें। इसलिए भगवान बुद्ध ने हमको मानव से मानव को जोड़ना सिखाया है, प्रेम और आपस में मानवता सिखाई है। मैं ऐसे धर्म के प्रति सत सत भ्रमण करता हूँ, सत सत हम भगवान बुद्ध के श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। और इसीलिए मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम है, आज सुबह से ही मैं व्यस्त हूँ, लेकिन यहाँ आना और आकर आपके बीच में दो शब्द कहना, आपसे मिलना और मिलकर एक प्रेरणा और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आया था। बहुत बहुत सभी लोगों को मेरा जोहार और प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। Thank you.
दादा बुद्धम शरणम गच्छामि, सभी लोग पूरे विश्व में अशांति है और आज पूरे विश्व युद्ध से जल रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण है बुद्ध के बारे में, प्रवचन के बारे में, और आज आपके जमशेदपुर बुद्ध सोसाइटी में क्या चीज का प्रोग्राम आज हो रहा है? शुभ कठिन चिवरदान, ये हम लोग का जो आषाढ़ महीना का जो पहला पूर्णिमा होता है उससे वहाँ से लेके अब तो कार्तिक पूर्णिमा जो पवराना पूर्णिमा जो होता है वो तीन महीना हम लोग का बसोबास होता है, उसमें उस समय जो भिक्खु लोग मंदिर में रहते हैं वो तीन महीना कहीं नहीं जाते हैं, जो तीन महीना जो कंप्लीट हो जाता है माने कार्तिक पूर्णिमा जो होता है पवराना पूर्णिमा उस दिन जेटा लक्ष्मी पूर्णिमा बोलता है हिंदू इसमें, तो उसमें उसका बाद दिन से हम लोग का ये कठिन चिवरदान स्टार्ट हो जाता है, तो हर जगह में एक एक तो डेट रखता है हर देश में माने संस्था में, तो उसमें हम लोग का डेट मिला 5 नवंबर, तो हम लोग जो तीन महीना का जो बसवास में भिक्खु लोग थे तो उपासक उपासिका ये 5 नवंबर को चीवर देते हैं, ठीक है, पहनने के लिए वो दान दिया जाता है, ठीक है। आज जो आप जो प्रश्न के जो विष्णु आज पूरा जल रहा है तो इसी समय बुद्ध का संदेश को खूब कारगर रहेगा, जो बोलता है ना अहिंसा का वाणी, तो अहिंसा किसी को लड़ लड़ झड़ के नहीं है, प्रेम भाव से सबको समझाना उसका, इसी के लिए बुद्ध को अभी इसी समय बुद्ध के संदेश को जगाना है और समझाना है। जो 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 आए हैं अपने प्रवचन दे रहे कहाँ से आए? एक एक्चुअली कलकत्ता से पियरत्न भिक्खु विश्वजीत भिक्खु, और आसामसोल से आया है, उसके बाद दुर्गापुर से आए हैं, उसके बाद मेदिनीपुर से आए हैं। अपना परिचय? मेरा परिचय है साधन बरुआ, इस संस्था का बुद्ध सोसाइटी का असिस्टेंट सेक्रेटरी। दादा पहले तो आप अपनी परिचय और सभी को छठ पूजा काली पूजा की हार्दिक बधाई दीजिए। हम तपन बरुआ, मैं रहने वाला हूँ परसुडी का, इस भगवान बुद्ध मंदिर में आए हुए हैं, हम भी बौद्धिस्ट हैं और सबको काली पूजा और छठ के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और इस जो हम लोग का भगवान बुद्ध का जो आज मैंने एक दान का मातम होता है, दान का उत्सव होता है, इस दान जो होता है हम लोग का साल में एक महादान होता है जिसमें भगवान बुद्ध जो है मैंने एक तीन महीना जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं उसी तरह बसवास में बैठे थे, उसके बाद जब उठते हैं उसके बाद हम लोग इसके दान का एक ये होता है। इस दान से क्या होता है कि हम लोग का जो गुरुदेव को हम लोग को जो कपड़ा है उसको हम लोग मैंने उसको बोलता मैंने दान जो है ला मैंने लाल जो कपड़ा हम लोग देते गुरुदेव पहनते उसको हम लोग दान के हिसाब से उनको दिया जाता है। अरे हम लोग का वो भगवान बुद्ध जो है हम लोग तो बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के एक शांति के प्रतीक है, अगर विश्व में इस तरह के भगवान बुद्ध का अगर रास्ते में चले तो भगवान विश्व पूरा शांति में आ जाएगा, इससे सबके लिए सुख शांति पूरा देश में एक अलग माहौल पैदा हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का जैसे संदेश सब देशवासी को मिले, इससे मानना चाहिए, इससे मानव धर्म के लिए सबसे उन्नति के रास्ता है। पूरे विश्व आज युद्ध हो रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, उधर आपका इजराइल और फिलीपींस का युद्ध हो रहा है, तो इस बुद्ध के जो सबसे बड़ी चीज है बुद्धम शरणम गच्छामि शांति 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 के प्रति क्या बोलना चाहेंगे पूरे विश्व के समुदाय विश्व आदमी को समझाया जा रहा है कि भगवान बुद्ध हिंसा के विरुद्ध में है। मैं भगवान बुद्ध का अगर रास्ता में विश्व चले तो कभी तो लड़ाई हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, भगवान बुद्ध तो एनी टाइम शांति के प्रतीक रहते हैं।